सब्जेक्ट है हमारा ड्राइंग एंड देन हमारा आज का टॉपिक है 2D डिजाइन। आज का टॉपिक है 2D डिजाइन। सो अब हम 2D डिजाइन कैसे करने वाले हैं वो हम देखेंगे। पहले तो हमने किए थे ज्योमेट्रिकल शेप्स लिए थे, तो उनमें से क्या क्या दिया था कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, वेव लाइंस एंड सर्कल्स। हमने पहले ये ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज किए थे, तो अब हम इसी ज्योमेट्रिकल शेप यूज करके 2D डिजाइन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। वो स्क्वायर हमने ऐसे ड्रॉ किया, उसकी हाइट भी 20 सेंटीमीटर है और उसकी विड्थ भी 20 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा ऐसे स्क्वायर बन गया है। उसमें हम क्या क्या यूज करने वाले हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, वेव लाइंस, स्लाइंट लाइंस, ये हम इस स्क्वायर में ड्रॉ करने वाले हैं। तो पहले हम कुछ स्क्वेयर्स ऐड करेंगे। हमने ये स्क्वेयर ऐड कर लिए, उसके बाद हम रेक्टेंगल ऐड करने वाले हैं। ये हमने रेक्टेंगल ऐड कर लिए, उसके बाद हम ट्रायंगल ऐड करेंगे। उसके बाद हम सर्कल्स ऐड करने वाले हैं। आप सर्कल्स भी ऐड कर सकते हो, हाफ सर्कल्स भी ऐड कर सकते हो। सो मैं कहां पर सर्कल ऐड करने वाला हूं, कहां पर हाफ सर्कल ऐड करने वाला हूं, वो भी चलेगा। सो यहां पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, यहां पर मैंने हाफ सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पर भी मुझे चाहिए तो यहाँ पर मैंने एक हाफ सर्कल ड्रॉ किया है, यहाँ पर मैंने एक सर्कल ऐड किया। तो हम बाद में यूज करने वाले हैं वेव लाइंस के लिए। यहाँ से यूज की ये वेव लाइंस यूज की एक, और एक स्लाइंट लाइन आप जहां पर भी चाहे वहां पर एक स्लाइंट लाइन कर सकते हैं। मैंने ये स्लाइंट लाइन कर, तो उसके बाद ये क्या हुआ कि मैंने ये शेप्स यूज किए हैं। तो ये शेप्स यूज किए हैं, तो इसे हमने क्या करना है, ये शेप्स हमने यूज किए हैं, तो ये शेप्स यूज करके ये शेप्स के क्या हो गए हैं पार्ट। एग्जाम्पल, ये ट्रायंगल था, क्या ये ट्रायंगल, वो ट्रायंगल में ये स्क्वायर एंड ये स्क्वायर इंक्लूड हो गया है, तो ट्रायंगल के 3 पार्ट्स हो गए, 1, 2 एंड 3। ट्रायंगल के क्या हो गए, 3 पार्ट्स हो गए। सो हम जब कलर करेंगे तो
जब हम कलर करेंगे तो ट्रायंगल को आप एक कलर नहीं देने वाले हो। ट्रायंगल के शेप्स हो गए ना अलग-अलग, सो ट्रायंगल के थ्री पार्ट्स हो गए। ट्रायंगल के क्या अलग-अलग हो गए? थ्री पार्ट्स अलग हो गए। सो यहां पर अलग-अलग होना चाहिए, यहां पर अलग-अलग होना चाहिए और यहां पर अलग-अलग होना चाहिए। पर आप कलर्स कैसे करोगे? आप कलर्स सेकेंडरी कलर्स आप यहां पर सेकेंडरी कलर्स यूज कर सकते हो एंड प्राइमरी कलर्स यहां पर आप सेकेंडरी एंड प्राइमरी ये दोनों भी कलर यूज कर सकते हो। बट आप जब यूज करोगे तो पेंसिल कलर, ऑयल पेस्टल्स, पोस्टर कलर्स ये भी यूज कर सकते हो। तो ईच एंड एवरी पार्ट में आपको कलर शेडिंग अलग करनी चाहिए और करनी होगी, तो ही हमारा वर्क, हमारा ड्राइंग इफेक्टिव और कुछ नया दिखने वाला है और एट्रैक्टिव भी दिखने वाला है। सो आपको ये करके हमारी जो भी 2D डिजाइन है वो कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद आप वर्क ये जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट का फोटोग्राफ्स हमारे जो क्लास का ग्रुप है उस ग्रुप पर फोटो क्लिक करके उस पर आपका नाम मेंशन करके भेजना है।